हेलो माय डियर स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे बच्चे, सभी कैसे हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा चैप्टर एलिस इन वंडरलैंड ऑफ क्लास 4 इंग्लिश एनसीईआरटी बुक। आइए इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चैप्टर का नाम है एलिस इन वंडरलैंड। एलिस कौन है इसमें? एलिस, ये जो लड़की है इसका नाम एलिस दे रखा है। तो आइए चैप्टर को समझते हैं। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री। वन डे मतलब एक दिन। एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री। लाइंग मतलब होता है लेटना, ट्री मतलब पेड़। एलिस एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। और वो लेट के क्या कर रही थी? जो उसकी सिस्टर है, सिस्टर मतलब बहन जो है उसकी, वो एक स्टोरी रीड कर रही थी, एक स्टोरी पढ़ रही थी। तो वो एलिस उसको सुन रही थी। लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। सडनली अचानक से सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। अचानक से क्या हुआ? सी सॉ, उसने देखा, सॉ मतलब देखना, वाइट रैबिट स्कैम्पर बाय। वाइट रैबिट, रैबिट का कलर क्या था? वाइट था। स्कैम्पर बाय मतलब तेजी से दौड़ के गया उसके पास से। ही हैड पिंक आइज। और उस रैबिट की आइज कैसी थी? पिंक आइज थी। एंड वॉज वियरिंग अ ब्लू कोट। और उसने क्या पहना हुआ था? एक ब्लू कोट पहना हुआ था। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। और उसने क्या निकाला? रैबिट ने क्या निकाला? ही टुक आउट अ बिग वॉच। उसने अपनी एक बड़ी सी वॉच निकाली फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट। जो उसका वेस्ट कोट था उसकी पॉकेट से एक बड़ी वॉच निकाली। एंड एज ही हरिड अवे ही सैड ओ डियर आई विल बी टू लेट। इसका क्या मतलब है? एज ही हरिड अवे ही सेड, जैसे कि उसको बहुत जल्दी हो रही थी, उसने कहा ओ डियर आई विल बी टू लेट, मैं बहुत लेट हो रहा हूं। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। तो ये किसने सोचा? शी थॉट मतलब एलिस, जो ये लड़की थी इसने सोचा। शी थॉट देयर वॉज समथिंग डिफरेंट, वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। ये जो रैबिट है इसके बारे में कुछ तो अलग है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। टॉक माने बात करना। इट वोर अ रेड वेस्ट कोट। और इसने रेड वेस्ट कोट, वेस्ट कोट होता है ये, जैसे ये इसने रेड कलर का पहना हुआ है, ये वेस्ट कोट है और उसके ऊपर वाला कोट है, वेस्ट कोट। एंड कैरीड अ वॉच, और इसके पास एक वॉच भी है। एलिस वंडर्ड, एलिस क्या है? सोचने लगी। अ चॉकिंग रैबिट, ये क्या है? एक बात करने वाला रैबिट। रैबिट माने खरगोश है, बात करने वाला खरगोश है। अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, ये जो रैबिट है ये वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। और ये सारे सवाल एलिस के दिमाग में बार बार आ रहे थे और वो उन सवालों का जवाब जानने के लिए बहुत उत्सुक थी। क्यूरोसिटी मतलब जो चीज़ों को जानना चाहता है, सवालों के आंसर जानना चाहता है। क्यूरोसिटी, एलिस वॉज बर्निंग विद क्यूरोसिटी एंड शी फॉलोड द वाइट रैबिट। तो उसने क्या सोचा कि ये जो वाइट रैबिट है इसको वो फॉलो करती है। कौन? एलिस। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। अब रैबिट क्या होता है? दौड़ने लगता है और एलिस भी उसका पीछा करती है। फॉलोड मतलब उसका पीछा करती है। किसका? रैबिट का। एलिस फॉलोड द रैबिट। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। और रैबिट अचानक से क्या करता है? द रैबिट सडनली मतलब अचानक से, पॉप डाउन मतलब एक कूदना, एट ए लार्ज रैबिट होल, एकदम से वो एक लार्ज रैबिट होल में कूद जाता है। कौन? रैबिट। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। और एलिस भी उसी रैबिट होल में कूद जाती है। द रैबिट वेंट डाउन डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। और जो रैबिट था वो नीचे जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, किसके अंदर? उस रैबिट होल के अंदर। एलिस सेड अलाउड वेयर एम आई। एलिस जोर से चिल्ला के बोलती है, वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। How many miles down I have fallen? मैं कितने miles नीचे गिर चुकी हूँ। It must be getting somewhere near the center of the earth. और वो क्या कहती है? मुझे लगता है कि मैं कहाँ हूँ? Earth के center के आसपास हूँ। I must be getting somewhere near the center of the earth. She wondered.
वो सोचने लगती है, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। वो सोचती है क्या मैं स्लिप हो गई हूँ अर्थ के दूसरी साइड। थम एलिस लैंडेड ऑन ए पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, और तभी एलिस एक ड्राई लीव्स के, जहां पर ड्राई लीव्स बहुत सारी सूखी पत्तियां इकट्ठी थी वहां जाके गिरती है। धम शी लुक्ड अराउंड एंड क्विकली, तो वो अपने आसपास तुरंत देखती है क्विकली, एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, और उसको फिर से दोबारा से वो व्हाइट रैबिट दिखता है। इट डिसअपीयर्ड सेइंग ओ माय इयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट इज गेटिंग, और वो जो व्हाइट रैबिट था वो वहां से डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो जाता है। क्या कहते हुए, ओ माय इयर्स, इयर्स मतलब कान, एंड विस्कर्स माने क्या होता है, ये जो मुंह के पास ये जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं इनको बोलते हैं विस्कर्स, ये विस्कर्स हैं। ओ माय इयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग, ये बहुत लेट हो रहा है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर, एलिस खड़ी होती है और वहां पर एक छोटा दरवाजा देखती है। सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 inches हाई, और उस डोर की जो हाइट थी वो कितनी थी, 15 inches, मतलब बहुत छोटा सा दरवाजा था वो। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और एलिस के लिए उस डोर में से जाना बहुत ही मुश्किल था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, क्योंकि वो दरवाजा बहुत छोटा था। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की, एलिस क्या देखती है वहां पर, एक ग्लास टेबल देखती है विद अ गोल्डन की, और उसके ऊपर एक गोल्डन की रखी होती है। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, और वो क्या करती है, उस गोल्डन की को लेके वो जो लॉक था उसमें उसको ओपन करने की कोशिश करती है। एंड टू डिलाइट इट फिटेड, और वो उसमें फिट हो जाता है तो वो खुश हो जाती है। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन, एलिस वो डोर खोल देती है और देखती है कि एक बहुत सुंदर गार्डन उसको दिखता है। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, ऐसा गार्डन उसने कभी नहीं देखा था। हाउ शी long to be among those beds of bright flower and those cool fountains, how she longed to be among those beds of bright flower and those cool mountains, aur wo wahan par kya dekhti hai, long beds of flower matlab lambe lambe line hai lagi hui thi flowers ki, theek hai, jisko bola gaya hai beds of flower, long beds of flower, aur usko ek fountain bhi wahan par dekhta hai, fountain matlab ek fawwara। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, और पर वो उस डोर में से अपना सर भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी, ठीक है, वो बहुत छोटा दरवाजा था, यहाँ ही आप देख सकते हैं उसको। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम लाउडली, और वो क्या विश करती है, काश मैं बहुत छोटी होती, आई कुड बिकम, मैं छोटी हो सकती होती तो वो उस डोर में से उस गार्डन में एंटर हो पाती। शी एक्सक्लेम लाउडली, और वो इस तरीके से चिल्लाती है जोरों से। यहाँ पर आपको कुछ न्यू वर्ड्स मिले हैं। स्कैम्पर माने होता है तेजी से दौड़ना, हरिड माने जल्दी, पॉप्ड माने उछल उछल के कूदना, डिसअपीयर्ड माने गायब हो जाना, विस्कर्स माने स्मॉल हेयर्स अराउंड योर माउथ, जो कि रैबिट के थे। तो इस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक्सरसाइज पार्ट कराऊंगा। आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।